दिन कल परसों जो है सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हुई थी कल्चर बिल्डिंग जो हेरिटेज जो बिल्डिंग है कराची में मुख्तलिफ जो पुरानी जो जगह हैं वहाँ पे इमारतें बनी हुई हैं उस बिल्डिंगों पे जो है ऊपर जो है इमारतें जो है वो तमीर कर दी गई हैं जिस पे जो है बड़ी अहम समाप्त हुई थी। जो चीफ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस भी लिया था और नोटिस लेते हुए कहा था जो कल्चर सेक्रेटरी थी उनको भी बुलाया गया था, उनसे बात की गई थी, उनको बताया गया था कि ये हेरिटेज बिल्डिंग आप होते आपके होते हुए कैसे बन रही है, आप जो है वो यहाँ कल्चर सेक्रेटरी है इनका ख्याल कौन रखेगा। जिस पर जो है कल्चर सेक्रेटरी ने कहा कि जो GC है उसको मैं ऑर्डर देता हूँ और वो जो है उसको वो जाकर गिराएंगे। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि DC जो है वो कैसे गिराएगा और इसके अलावा जो यहाँ पे जितने भी SHOs वगैरह जितने भी पुलिस अमलदार हैं वो जो है यहाँ पर पैसे लेके जो है रिश्वत लेके ये बिल्डिंगें बनाने का इजाज़त दे देते हैं। जो हेरिटेज बिल्डिंग है जो कौमी विरसा है उसका ख्याल कौन रखेगा। इस वक्त हम उसी जो डेंसिनो हॉल है उसके पीछे जो अला वाली जो बिल्डिंग है उस वहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस वक्त जब चीफ जस्टिस साहब का हुक्म आया उसके बाद जो है यहाँ पे उसकी बिल्डिंग के ऊपर जो तमीरात 2 मंजिल ऊपर कर दी गई थी उसको गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस वक्त जो है हेरिटेज के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, इस वक्त जो है गिराने का आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पे हिफाजती इकदाम भी किए जा रहे हैं और ये ऊपर से जो पत्थर जो इस वक्त भी उन ऊपर गिराने का अमल जारी है, पत्थर भी नीचे आ रहे हैं इस वक्त वजह से यहाँ पे पूरा जो है वो बिल्डिंग को गिराने का अमल शुरू किया। हमने यहाँ पे जब पहुँचे तो कई बिल्डिंगें हेरिटेज थी, कई कौमी जो हमारी जो पुरानी जो विरसा थी हमारे जो हमारी पहचान थी उस पर कई बिल्डिंगें थी उस पर भी जो है तमीरात कर दी गई हैं। हम जब लाइट हाउस से आए लाइट हाउस के सामने से कई बिल्डिंगें थी उस पर भी तमीरात, इस वक्त इस साइड पर जो है कुछ बिल्डिंगें हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उस पर भी जो है तकरीबन तमीरात ऊपर होकर दी गई हैं तमीराती जो जिस वजह से जो है हमारी कौमी जो बिल्डिंगें थी उनको नुकसान पहुँचाए। इस पर भी जो है वो तमीरात कर दी गई है। इस साइड भी जो कौमी बिल्डिंग थी उसकी जो बाहर वाला हिस्सा था वहाँ पे जो असल शक्ल थी उसको ख़त्म करके जो उनकी जो पुरानी जो सीमेंट नुमा जो है बाहर लगाया गया और पीछे जो आप साइड में देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो है किस तरीके से बिल्डिंग जो है वो किस शक्ल में आ गई है। ऊपर जो है वो बिल्डिंग का इस वक्त भी तोड़ फोड़ जारी है और 2 मंजिला गिराने का अमल इस वक्त भी जारी है। ऊपर मजदूर भी मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ कुछ हेरिटेज के भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो हेरिटेज फाउंडेशन के जो है वो रहनुमा नईम शाह, उनसे बात करते हैं। सर, ये बिल्डिंगें जितनी भी होती हैं इस पर तमीरात कर दी जाती हैं फिर जो है वो फोटेज जब चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस दिया तो उसके बाद इस पर अमल आता है, फिर जब बनता है तो क्या हमारे जो गुजरा होते हैं कोई सब होते हैं क्या देखते नहीं हैं? सर, ये तो चूँकि हमारा कौमी विरसा है इसके ऊपर जो भी चीज़ें बनाई गई हैं इससे पहले सब की मिली भगत से बनी थी। अभी चीफ जस्टिस साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर किया है जिसके तहत ये सब इनक्रोचमेंट है ये हटाई जा रही है क्योंकि ये हमारा कौमी विरसा है। इस गली के अंदर आप देखें बहुत ज़्यादा हेरिटेज बिल्डिंग 12 हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जिसके ऊपर मैक्सिमम बिल्डिंग के ऊपर सब कुछ बना हुआ है, उनके पास बाकायदे अप्रूवल भी है सब कुछ है लेकिन सब मिली भगत की वजह से हुआ है। अच्छा, पुरानी बिल्डिंगों पे भी अप्रूवल मिल गए? जी हाँ, बाकायदा सबके पास डॉक्यूमेंट है, सब चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, जी हाँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स देता कौन है इनको के ऊपर आप बना सकते हो? ये जो गवर्नमेंट के जो अदारे हैं सिंध के अदारे हैं वही देते हैं उनको, मौका आके देखते नहीं है, मौके पे कुछ और चीज़ होती है वहाँ पे अप्रूवल किसी और चीज़ की होती है फिर साइड पे चीज़ें बन जाती हैं। और ये एक तो है इंसानी जानों के लिए अभी बहुत बड़ा ख़तरा है क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है कि इसकी फाउंडेशन किस लेवल की है, आया इतनी मंजिला इमारतों के लिए बनाई भी गई है या नहीं बनाई गई, तो इसके ऊपर तामीरात हो रही है बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के। ये जो पीछे में शाह साहब आ रहा था तो पूरी जो लाइट हाउस से मैं देख रहा था तकरीबन जो इमारतें थी उस पर जो है तमीरात कर दी गई हैं, ये क्या वजह है कि क्या हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो इस पर नोटिस नहीं ले रहे, क्या लोग जो हैं उस पर बता नहीं रहे कि ये भाई हेरिटेज बिल्डिंग को किस तरीके से हम तबाह कर रहे हैं? सर, 2 बातें हैं, एक तो इससे पहले तो ये होता रहा है कि इसके ऊपर उन्होंने इनक्रोचमेंट करके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई हैं लेकिन अभी तो ये हो रहा है कि सब कुछ डिमोलिश हो रहा है। इसी मुराहान रोड जिस पर हम खड़े हैं इसकी गली में 1 हफ्ता पहले बिल्डिंग मौजूद थी, रातों रात वो बिल्डिंग उड़ गई, किसी को कोई खबर ही नहीं है, वो ख़त्म हो गई है बिल्डिंग। इस तरह बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स जो ऐसी हैं जो अभी भी डिमोलिश हो रही है और उसके सामने ये जो हेरिटेज का जो पत्थर है ये 200 साल पुराना पत्थर है, इसका मतलब यह है कि इसके साथ 200 साल पहले लोगों के हाथ लगे हुए हैं। इससे मुराद ये है कि इसके साथ इसको जो तराशा है आज से 200 साल लोगों ने पहले तराशा है क्योंकि हमारा कीमती असासा है,
अब इन पत्थरों को वहाँ पे बाकायदा क्रश मशीनें लगाई हुई हैं सारे साइंस ख़त्म करने के लिए, उससे क्रश बना रहे हैं। मैंने खुद देखे हैं वहाँ पे। अगर आप ली मार्केट की तरफ जाएं, इसकी इसी जहाँ पे खड़े हैं, इसकी बैक साइड पे जाएं, तो तमाम बिल्डिंग के साथ यही हो रहा है। अच्छा, दुनिया में जो है पूरी जो कौमी वरसा है उनको बचाया जाता है, देखा जाता है, उनके लिए बाकायदा एक डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उन पर पूरा ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब, जो शाह साहब, ये पूरी जितनी भी हालत है आपके सामने, शहर को किस तरीके से कंजेस्टेड बनाया गया? देखें, अभी मैडम यासमीन लाहिरी साहब ने ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये इसको वॉकिंग से ट्रीट किया है, तो इसलिए किया है कि यहाँ पे 12 बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी और जिसका कोई पुरसान हाल नहीं था, इसमें इंक्रोचमेंट भी थी, जिसमें शटर भी बाहर लगे हुए थे, जिसके आगे ठेले भी थे, गाड़ियाँ भी थी, बुरा हाल था यहाँ पर। इन बिल्डिंग की वजह से ये वॉकिंग स्ट्रीट बनाई है। ये मैडम यासमीन लाहिरी साहब का ख्वाब था। अगर हम इसी मॉडल को आगे लेके चलें तो हमारी बिल्डिंग भी बच सकती हैं, हमारे लोगों के चलने के रास्ते भी हो सकते हैं और हमारी इन्वायरमेंट भी ठीक हो सकती है। जी नाज़रीन, ये आपने शाह साहब की बात सुनी। ये कहें कि जो ये आप देख रहे हैं पूरा जो गली थी उसको पूरी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि गली को दोबारा हेरिटेज को बचाया जाए। किस तरीके से बचाया जाए, ये डेंसो हॉल जो है उनकी जो बिल्डिंग है ये सामने है, जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर भी तमीरात सामने साइड में हो गई हैं। जितनी भी यहाँ पे गली है उसकी जितनी भी पुरानी वर्षा थी जो हमारी, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये चीफ जस्टिस ने कल भी कहा था समाअत के दौरान, परसों जो समाअत थी उसमें, कि हम इसको नहीं हेरिटेज को बचाएंगे तो कौन बचाएगा। इस पर जो है ख्याल किया जाए, इस जितने भी कौमी वरसे की बिल्डिंगें हैं उन पर पूरा ध्यान दिया जाए, उनकी जो है देखभाल की जाए। लेकिन इसके लिए जो है वजीर जो है हमारे सरदार शाह साहब को नोटिस लेना चाहिए था पहले, और सेक्रेटरी जो थे अकबर लगारी साहब उनको भी नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसा यहाँ पे कौमी वरसे को बचाने के लिए अभी कोई ऐसी हमें इकदाम नज़र नहीं आए। लेकिन जो चीफ जस्टिस का हुक्म था उसके बाद यहाँ पर इंतजामी हरकत में आई। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस के हुक्म के बाद जो है इस बिल्डिंग को जो ऊपर दो मंजिला है उसको गिराया जा रहा है, और ये पूरा जो है ऊपर की दो मंजिलें हैं उसकी जो पहली मंजिल है वो जो इन्होंने बाद में तामीर कराई, जो यहाँ के लोगों ने कहा कि पता नहीं किसने इजाज़त दी, जिसके बाद ये पूरे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन देता है, कौन इजाज़त देता है, ये आपके सामने है। ये हालात हैं, ये जो अभी मलबा चीफ जस्टिस के हुक्म के बाद गिराया, अगर चीफ जस्टिस हुक्म ना देता तो ये इसका ख्याल कौन रखता है। चीफ से का जो चीफ सेक्रेटरी का भी काम था, वजीर अला सिंध का भी काम था, उसके अलावा जो कल्चर के वजीर थे उसका भी काम था। लेकिन आपको मैं ऊपर भी दिखाता हूँ कि ये कई बिल्डिंग है, ऊपर से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे उनके ऊपर तैमीरात कर दी गई है। ये पूरे सामने आप देख सकते हैं हेरिटेज बिल्डिंग है जो उसके ऊपर तैमीरात कर दी गई है। इस साइड देखें तो कैसे हमारी पुरानी जो बिल्डिंग है उसके ऊपर तैमीरात कर दी गई है। ये साइड में ये जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग है जो पुराने पत्थर है उसके ऊपर इजाज़त लेके ये पूरा, अब पूरी जितने भी मैंने देखा यहाँ पे जितने भी बंदर रोड पे बिल्डिंगें थी पुरानी जो कौमी विरासत थी उस पर तमीरात हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको गिराने का अमल इस वक्त जारी है। इस तरफ भी जो है वो पूरा डेमोलिश कर लिया गया है। आपको मैं आगे भी ले चल सकता हूँ कि सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से वो हेरिटेज बिल्डिंगों के ऊपर बिल्डिंगें बन गई हैं। एक और हेरिटेज बिल्डिंग मैं आपको सामने दिखा सकता हूँ, उसके ऊपर भी जो है वो सामने जो है ऊपर तमीरात करके लोगों ने अपने बैठने का काम कर दिया है। ये पूरा जो है हेरिटेज बिल्डिंग थी, ये पुराने इलाके थे, ये खारा दर, मीठा दर और जो है लाइट हाउस, इस तरफ जितनी भी पुरानी पुरानी बिल्डिंगें थी उसको ये बचाया नहीं जा सका, लेकिन उसके ऊपर जो तैमीरात की जा रही है उसको भी नहीं रोका जा सका। उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ने जो नोटिस लिया उसके बाद इंतजामिया को ख्याल आया कि इसको गिराना है, लेकिन इस वक्त जो है जिस बिल्डिंग का उन्होंने चीफ जस्टिस नोटिस लिया उसको गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं उसी बिल्डिंग पे खड़ा हूँ जहाँ पे जो कल जो है वो हुक्म दिया गया था उसके बाद गिराने का अमल शुरू कर दिया गया, लेकिन कई बिल्डिंगें हैं मैं जहाँ नज़र पहुँचा रहा हूँ यहाँ पे जितनी भी कौमी विरासत बिल्डिंग थी वो छुप गई हैं, क्योंकि बाद में जो तमीरात की गई थी जिसके बाद कौमी विरासत की जितनी भी बिल्डिंगें थी उसके ऊपर जो है तमीरात कर दी गई हैं, लेकिन जो है तमीरात इस तरीके से की गई हैं कि पीछे जो है इनके कमरे रखे गए ताकि किसी को नज़र ना आए। लेकिन आप पूरी जो पुरानी बिल्डिंगें देख सकते हैं कि उस पर क्या सूरत हाल इस वक्त जो है
हालात आपके सामने हैं कि इसको बचाना है, वो हमें बचाना है, हमारी गवर्नमेंट को बचाना है, सिंध हुकूमत को बचाना है कि भाई जितनी भी कौमी विरसे हैं उसको बचाया जाए। लेकिन इसका नोटिस जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे सिंध हुकूमत को लेना चाहिए कि जो हमारी जो पुरानी जो इमारतें हैं इसकी देखभाल की जाए और ये हेरिटेज जितनी भी बिल्डिंग है इसको बचाने का अमल शुरू किया जाए।